फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो भी हमारी ब्यूटी टिप है, हमारी ब्यूटी से रिलेटेड है, हमारे फेस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसके लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, और वो है हमारे लिप्स। हमारे लिप्स अगर ब्लैकिश कलर के हों और रफ से, ड्राई से हो रहे हों, या उसमें से जो है हमारी स्किन निकल रही हो पैचेस बन के, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। तो उसके लिए जो है आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ, उससे हमारे बेबी सॉफ्ट लिप्स हो जाएंगे, 100% गारंटेड। ठीक है, पिंक लिप्स हो जाएंगे, और वो भी बिल्कुल नेचुरल वे में। ठीक है, 100% इफ़ेक्टिव है ये। पर्सनल यूज़ किया हुआ मैंने, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आप लोगों से वही वीडियोज़ शेयर करती हूँ, वही रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जिसका रिज़ल्ट 100% इफ़ेक्टिव हो, ताकि जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो मैं आप लोगों को भी फ़ायदा दे सकूँ। 3 स्टेप्स होंगे हमारे इसमें, जिसमें हमारे जो लिप्स हैं वो पिंक कलर के हो जाएंगे, बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो इसमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए होगी 1 चम्मच 1.5 शुगर, 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें ले लिया है शुगर। शुगर को मैंने थोड़ा सा, देख सकते हैं आप, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, पूरे मोटे मोटे दाने नहीं हैं, थोड़ा सा मैंने इसको क्रश किया है। ठीक है, इसके अंदर हमारी डलेगी हनी। ठीक है, हनी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जितनी, देखें। ठीक, और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ये ऐसा मिक्स होगा स्क्रबर की तरह। ठीक है, देख सकते हैं ऐसा इसको मिक्स करना है कि बस शुगर और जो हनी है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये हमने कर ली मिक्स। इसमें अब हमने क्या करना है, हमने लेना है लेमन का एक स्लाइस। ठीक है, और इस लेमन के स्लाइस को हमने इसमें डिप करना है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, फिर हमने इसको अपने लिप्स के ऊपर इस तरह से स्क्रब करना है। ये देखिए, जब ये स्क्रब होगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो मैंने लेमन लिया था, लेमन स्लाइस, ये लेमन जूस के साथ स्क्रब हो रहा है। ये देखो, लेमन जूस से जो है ना, हमारे स्किन की जो ब्लैकनेस है ना, वो रिमूव होगी। इस तरह से हमने लेना है, ये देखिए ऐसे हमने अपने लिप्स के ऊपर मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट हमने इसको मसाज करना है। हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा, क्योंकि शुगर है तो लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा खिंच नहीं जाए, बिल्कुल रेड ना हो जाए। तो आप जो है इसको हल्के हल्के से मसाज करें। ठीक है, ऐसे मसाज करना आपने। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड मेथड की तरह जो है हम लोग मूव ऑन करते हैं, और सेकंड स्टेप जो है उसमें हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून जितना कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसके अंदर आप डालेंगे या तो 1 विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है,
और सेकंड आपका जो है वो ऑप्शनल है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये एलमंड ऑयल, या तो आप एलमंड ऑयल डालेंगे या आप विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे जो आपको अवेलेबल हो, ऑप्शनल है, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून जितना एलमंड ऑयल, ठीक है। जी, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों ऑयल हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इजीली, ठीक है। इसको फिर हमने मसाज करना है। इससे क्या होगा, जो हमने स्क्रब किया था ना उससे हमारी डेड स्किन जो थी वो सब रिमूव हो गई थी फर्स्ट स्टेप से। सेकंड स्टेप से ये है कि हमारा जितना भी मॉइस्चराइज़र है हमारे लिप्स का वो जो है लॉक हो जाएगा इससे करने से, कोकोनट ऑयल और एलमंड ऑयल या फिर ऑप्शनल विटामिन ई कैप्सूल, इससे जो है हमारा मॉइस्चराइजर जो है वो लॉक्ड हो जाएगा, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हमें क्या चाहिए, थर्ड स्टेप जो है इसमें हमें चाहिए होगा, एक हमें चाहिए इसमें बीट रूट, ठीक है, और एक हमें इसमें चाहिए टर्मरिक स्टिक, ठीक है। ये हल्दी है जो सूखी हल्दी कहलाती है, ये वो है, तो हमें ये सूखी हल्दी चाहिए होगी। और ये जो बीट रूट है, चकुंदर जिसे हम कहते हैं, इसका हमें हाफ चाहिए। अब हमने इस ये हमने हाफ जो है बीट रूट ले लिया है, ठीक है। ये मैंने हाफ बीट रूट लिया, इसकी स्किन पील करनी है आपने, और एक पूरी स्टिक जो है ये टर्मरिक की आपकी डलेगी इसके अंदर। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये टर्मरिक है, ठीक है। ये हमारे फेस के लिए जो है ना वो हम ये वाली टर्मरिक यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। तो आपने इसको पील करना है और बीट रूट को भी पील करना है, और दोनों को एक साथ ग्रेट करना है, ठीक है। इसको कद्दूकस कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद जो है हमने इसका जूस जो है वो स्ट्रेन आउट करना है। मैं ग्रेट करके इसको लेकर आती हूँ और इसका जूस निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये जो है मैं बना के ले आई हूँ बीट रूट और टर्मरिक रूट का जूस। ये आप देख सकते हैं इजीली, मेरे हाथ जो है वो येलो एंड रेड हो गए, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा येलोइश और रेड कलर आ गया इसका, रेड कलर। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बीट रूट क्यों इसमें यूज़ किया है। बीट रूट जो है वो हमारा नेचुरल कलर है किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए। हम लोग लिप टिंट बनाते हैं अगर, तो उसमें भी हम लोग ये बीट रूट डालते हैं ताकि हमारा नेचुरल कलर आए, रेड कलर। नहीं तो फिर जो है हम लोग ये जो लिप्स के लिए है वो भी हम यही यूज़ करते हैं ताकि हमारा नेचुरल पिंकिश रेड कलर आए, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें करना क्या है, हमने ये बना लिया, स्ट्रेन कर लिया, जूस निकल गया। अब इसमें हमने ऐड करना है 1 टीस्पून जितना ग्लिसरीन, ठीक है। ये देखिए, वन टीस्पून जितनी ग्लिसरीन इसको हमने मिक्स कर लेना है, और रात को हमने इसको अप्लाई करके हमने सो जाना है, और सुबह हमने इसको वॉश करना है ताकि पूरी रात जो है ना वो इसका असर रहे हमारे लिप्स पे। ग्लिसरीन से जो है हमारे लिप्स जो है वो बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और बीट रूट और टर्मरिक जो है, बीट रूट से हमारा पिंकिश कलर आने लगेगा लिप्स पे, और जो टर्मरिक मैंने इसमें ऐड की है उससे जो है हमारे ड्राइनेस जो होती है, रफनेस होती है, वो रिमूव हो जाती है, डेड सेल्स नहीं बनते, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करना है, देखें देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, आपके लिप्स भी इसी कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई करना है रात को, और इसको ड्राई होने देना है, और फिर आपने सो जाना है, आपने सुबह उठना है और ये करना है। एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस बीट रूट और टर्मरिक जूस को जो है आप जो है स्टेप 3 जो है हमारा, इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, मैक्सिमम 4 डेज, दैट्स इट। 4 डेज से ज़्यादा हमने इसको स्टोर नहीं करना है।
तो इसका जो है आप इसको स्टोर करें और रात को हम लगा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो फ़ौरन ही आपकी बन जाएंगी, इजी टू मेक है। बाकी ये जो है हमारा 3 से 4 दिन हमारा ये जूस चल जाता है। इसको अप्लाई करने से आपकी बहुत अच्छे सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट जो है ना आपके लिप्स हो जाएंगे पिंकिश कलर के, गारंटेड। ओके सो फ्रेंड्स यूज़ करें, रिजल्ट बताएं, फीडबैक्स दें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पे ऑल पे जाके क्लिक कीजिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आती रहेंगी आपको वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ओके देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।